सरकार के पक्ष में फैसला आने पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, आज का दिन ऐतिहासिक। कांग्रेस ने किया था पाप, बीजेपी तो बोलती है वो करती है। रीवा में किसानों को सीएम शिवराज की सौगात, किसान योजना के तहत 82 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए की ट्रांसफर। हिंदू मुस्लिमों से सीखे धर्म के प्रति कट्टरता, मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर विवाद, सफाई में बोली धार्मिक कट्टरता नहीं अनुशासन सीखते की कही बात। 27 हिंदू परिवार तोड़कर बनी थी कुतुब मीनार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, कहा ऐसे कलंक बर्दाश्त करना ही हिंदुओं की धर्म निरपेक्षता का सबूत है। बस्तर से सीएम बघेल ने की भेंट, मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत, कोटा में रामलिंगेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। कोटा में सीएम भूपेश बघेल ने की कई घोषणाएं, कहा तोंगपाल को मिलेगा पूर्ण तहसील का दर्जा, कुकानार में बनेगा विद्युत सब स्टेशन। धर्मलाल कौशिक के श्रीलंका की राह पर छत्तीसगढ़ वाले बयान पर सीएम बघेल का पलटवार, कहा दिवालिया कोई राज्य नहीं देश होगा, प्रदेश की आर्थिक हालत देश से बेहतर। मुंगेली में 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर कटा चालान, जिले के अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई। कांकेर के भानुप्रतापपुर में परिवहन संघ का हल्ला बोल, मोनेट माइंस में परिवहन अनुपात बढ़ाए जाने को लेकर चक्का जाम, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पन्ना के काशागार में सागौन और सतकड़ा की लकड़ी की नीलामी हुई, सागौन के 186 नए प्लॉट को पुराने सागौन और सतकड़ा के मिलाकर 646 लॉट की हुई नीलामी। अशोकनगर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक घायल, गंभीर हालत में झुलसे युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ौदा बाजार में मिल में अचानक लगी आग, लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। भोपाल में तेज रफ्तार कार का देखा कहर, फुटपाथ पर सो रही महिला पर चढ़ाई कार, नशे में थे कार सवार युवक युवतियां, कार से मिली शराब की बोतल, हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, भोपाल के चना भट्टी थाने क्षेत्र का मामला। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक की गोली मारकर हत्या, हादसे में युवक की मौके पर मौत, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। प्रयागराज से बिलासपुर जा रही बस बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 9 लोग घायल हुए, अस्पताल में इलाज के लिए कराए गए भर्ती, रतनपुर थाना क्षेत्र की घटना। मुरैना के पांडोली गांव में घर में लगी भीषण आग, आग लगने से घर में बंधे 3 भैंस की जलकर मौत, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेमित्रा में धान से भरी ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों को लगी चोट, 2 की हालत गंभीर, सभी को अस्पताल में इलाज जारी, नवागढ़ थाना क्षेत्र की घटना। ज्ञानवापी मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते आज नहीं हुई वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, अब मामले की सुनवाई कल होगी। कोर्ट में दाखिल याचिका नंदी के सामने दीवार तोड़ने की है, दूसरी याचिका शौचालय और वसुखाना शिफ्ट करने की है। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग को चोरों ने सील किया, वजूखाने के चोरों और चारों ओर लोहे को ग्रिल का लगाकर शिवलिंग को सुरक्षित किया गया, वीडियो वायरल हुआ। ज्ञानवापी पर ओवैसी ने लोअर कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट का फैसला एक तरफा है, मुसलमानों का पक्ष बिना सुने ही कोर्ट ने फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने कहा बस धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, नफरत से नहीं होगा देश और जनता का भला। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके इस्तीफा करके पुष्टि की, कहा आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। हार्दिक पटेल बोले मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी करेगा, मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा।
कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले के बाद नाराज लोगों ने हाईवे चक्का जाम किया। मृतक के परिवार वालों ने नारेबाजी की। सड़क पर धरना प्रदर्शन के चलते लंबा जाम लगा। कल आतंकी हमले में एक की मौत हो गई थी जबकि 3 घायल हैं। बारामूला में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट ने बालाकोट जैसे स्ट्राइक की मांग की। डोगरा फ्रंट की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। कहा, भारत का सिनेमा दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता है। 24 मई को जापान में होने वाले क्वाड की बैठक के लिए जापान के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया लोगो। एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों शामिल होंगे। सुपरवुमन के किरदार में शिल्पा शेट्टी निकम्मा फिल्म में धमाल मचाएंगी। कल रिलीज हुए ट्रेलर को लोग पसंद कर रहे हैं। निकम्मा फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान भाग्यश्री भावुक हुई। भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दासानी लीड रोल में है। भाग्यश्री बोली, मेरे निकम्मे ने बहुत मेहनत की है। मशहूर फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड। कॉन्स फिल्म महोत्सव के हुए 75 साल पूरे। कॉन्स में छाया उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक। व्हाइट गाउन में लगी रही अप्सरा। इंटरनेट पर वायरल हुई उनकी तस्वीरें। प्लास्टिक सर्जरी कराने अस्पताल में भर्ती हुई कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस की मौत हुई। बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में ली आखिरी सांसें।